दोस्तों बिग बॉस के घर की बात करें तो बिग बॉस के घर के अंदर आधी रात को फुकरा इंसान और मनीषा रानी आपस में बात करते हुए नजर आए। दरअसल यहां पर मनीषा रानी एल्विश के सिनेरियो को लेकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इस पर फुकरा इंसान मनीषा को बड़े ही प्यार से कुछ बातें बताते हैं और समझाते हैं कि कहाँ गलत है। मनीषा को बताते हैं कि वो कहाँ पर गलत हो रही है। दरअसल वो बोलते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर एल्विश के पापा आए और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुझे बड़े ही प्यार से चीज़ें बताई और ये बतानी ज़रूरी भी थी। अब तू सारे दिन एक ही चीज़ को लेकर बैठी रहेगी, हर सेकंड एक ही चीज़ बोलेगी तो वो बहुत अजीब और गलत दिखेगा बाहर। उन्हें लगेगा कि वाकई में तू उसके पीछे पड़ी हुई है। इस पर मनीषा कहती है, पर ऐसा नहीं है, हम मंजली जी के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। इस पर फुकरा कहते हैं कि मुझे भी पता है वो बात, लेकिन मान ले दिन में एक या दो या तीन बार बस तू नॉर्मली उसको टोक दे, हालांकि इस चीज़ को एग्जरेट ना करे, बस नॉर्मली टोक दे और वो शर्मा जाए। ये मजाक ज़्यादा जेन्युइन लगेगा और मजाक लगेगा, ना कि सीरियस। हालांकि अगर तू सारे दिन उसके पीछे पीछे रहेगी तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसके दिल में कुछ है और ये गलत पोटरे होगी और हम नहीं चाहते कि गलत पोटरे हो। इस पर फुकरा इंसान की मनीषा बात मान जाती है और कहती है, सही कह रहे हो। वहीं दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर। बिग बॉस के और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल देखो देखो को।